हेलो बच्चों, तो आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक कॉल्ड फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, बराबर, तो हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक कंप्लीट किया जिसका नाम था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और फिर हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को भी स्टडी किया था। उसी पार्ट पे हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को भी स्टडी किया था। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या दे रहा था बच्चों? वो कहता था भाई कि जब हमारे तीन फिंगर्स, हमारे फोर फिंगर, हमारे मिडिल फिंगर और हमारा थंब, ये जब एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, व्हेन दे आर स्ट्रेच्ड सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके, एंड इफ दिस फिंगर विल गिव, दैट इज द फोर फिंगर विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मिडिल फिंगर विल गिव डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो जब करंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है तो क्या आता है बच्चों? फोर्स आता है। ये बात किसने कहा था? हमें फ्लेमिंग्स ने कहा था, और यही चीज़ हमने किस में स्टडी किया? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में। तो इसके बाद इन लोगों का दिमाग चला, साइंटिस्ट लोगों ने अपना दिमाग चलाया कि भाई देयर कैन बी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये फोर्स के मैग्नीट्यूड को वेरी किया जा सकता है, अगर करंट को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, तो ऑब्वियसली द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स कैन बी मैनेज्ड ऑन वन साइड, ओके। तो बहुत सालों से जब गिरते हुए लॉग से, पहाड़ से गिरता हुआ लकड़ी का टुकड़ा, जो लॉग्स होते हैं बराबर, तो जैसे वो रोल करके आते होंगे, उस रोलिंग आइडिया से हमारे नोमैडिक जो लोग थे उन्हें पता चलता था, उन्होंने टायर को यानी व्हील, इन्वेंशन ऑफ व्हील आ गया था, उन्होंने व्हील को इन्वेंट कर दिया था। तो ये जो आइडिया था किसका? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी कुछ वैसे ही आइडिया था। तो उस आइडिया ने जो व्हील एक मैकेनिकल फोर्स से घूमता था बराबर, अब इन्होंने ये सोचा कि भाई हम ऐसे सारे जितने भी व्हील्स हैं दुनिया में, इस सारे व्हील्स को हम इलेक्ट्रिकल फोर्स से, बराबर, इलेक्ट्रिकल फोर्स से घुमा देंगे, ऐसा कुछ सोचा गया। तो बच्चों हम कुछ अलग टॉपिक नहीं हम कर रहे हैं भाई, हमारा मोटर्स, हमारे सिंपल डीसी मोटर्स जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो हम आ चुके हैं इलेक्ट्रिक मोटर के टॉपिक पर, और स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं उसका डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या कहता है भाई? ये एक ऐसा डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बराबर। तो ये ऐसे डिवाइस हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा फैन एक मोटर है बराबर, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं वो जो करंट है, वो करंट जाके फैन को घुमाता है और फैन हमें क्या देता है? हवा देता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ऐसे आप और भी कई एग्जांपल्स दे सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट बात यह है कि भाई इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? तो ये वही प्रिंसिपल पर काम करता है जो हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा। इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आप करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करोगे, मैग्नेटिक फील्ड यानी कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड है और वहाँ पर आप करंट कैरिंग कंडक्टर लेके जाओगे बराबर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा, या जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा, ओके। सो व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देंगे ना, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर पर क्या आएगा बच्चों? उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स आएगा। यही चीज़ हमने देखा था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसी प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड है, ऑन द सेम प्रिंसिपल बराबर, कि देयर इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड बिटवीन मैग्नेट्स। अच्छा, अब ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा, दिस इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FLHR बराबर। क्या? कि ये जो फोर्स आएगा वो फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा, वो फोर्स का अगर डायरेक्शन फाइंड करना है तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? आपको अप्लाई करना पड़ेगा
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप अप्लाई करोगे, आपको फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में कि अगर इलेक्ट्रिक मोटर को हम देखेंगे तो भाई वो दिखता कैसे। तो बड़ा सिंपल सा बच्चों, ये जो ए बी सी डी आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर आयन के स्ट्रिप को लिया जाता है, रेक्टेंगुलर आयन के स्ट्रिप्स को, ओके। और ये रेक्टेंगुलर आयन के स्ट्रिप्स पर वायर को वाइंड किया जाता है, वायर को वाइंड किया जाता है। किसको, कौन से वायर को, कॉपर वायर को, कौन से वायर को, कॉपर वायर, कैसा वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाइंड किया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रिप लिया गया आयन का, ऐसा कुछ स्ट्रिप होगा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, और इसके ऊपर वायर को वाइंड किया जाएगा, बहुत सारे वायर से, बहुत सारे वायर से, बहुत सारे वायर से। एक वायर का एंड ऐसा छोड़ दिया गया और उसी वायर का दूसरा एंड ऐसा लीव कर दिया गया, बराबर। तो एक एंड ऐसा हो गया, एक एंड ऐसा हो गया, बस। तो बहुत सारे ऐसे वायर्स इसके ऊपर वाइंड किए गए। तो इस तरह से क्या बनता है हमारा आर्मेचर कॉइल। तो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ए बी सी डी रिप्रेजेंट्स द कॉइल। तो ए बी सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा आर्मेचर कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर होते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। तो यहाँ पर दिख रहा है ये मैग्नेट है, तो दिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। ये नॉर्मली हॉर्सशू मैग्नेट होता है, यानी ये ऐसा घूम के आया, दिख नहीं रहा पिक्चर में, ठीक है, ये ऐसा 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 ये घूम के आया। तो ये हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में हमने इसको प्लेस किया। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्या करता है बच्चों, इसका काम क्या होगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो इट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। फिर इसमें होते हैं स्प्लिट रिंग, या दूसरा नाम उसका होता है कम्यूटेटर्स, बराबर। तो स्प्लिट रिंग्स क्या होते हैं बच्चों, एक जो रिंग है, जो हमारा फुल रिंग है, फुल रिंग, ठीक है, जो हमारा फुल रिंग है, यहाँ पर भी हमने डायग्राम बनाया था, ये जो फुल रिंग है ना, ये फुल रिंग को बीच में से कट कर दिया जाता है, तो ये क्या बन गया, दो हाफ रिंग बन गए, क्या बन गए, ये दो हाफ रिंग बन गए। तो इसी का एक नाम दे दिया गया स्प्लिट रिंग, नाम क्या दिया गया इसे, स्प्लिट रिंग। अब क्या होता है बच्चों, ये जो वायर का एंड छोड़ा गया है, इसे हम बोलते हैं, ये दिख रहा है जिसके ऊपर छोड़ा गया है, ये एक एंड ऐसा अटैच है, एक एंड ऐसा अटैच है, इसे हम एक्सल बोलते हैं, क्या कहते हैं हम इसे, एक्सल। अब ये जो रिंग था, दो स्प्लिट रिंग, उसका एक पार्ट एक्सल के एक पार्ट, यानी एक्सल के एक साइड को वेल्ड कर दिया जाता है, और दूसरा एक्सल के पार्ट को, रिंग का दूसरा पार्ट को क्या कर दिया जाता है, वेल्ड कर दिया जाता है। अब ये वाले पार्ट को अगर हम एक्स मान लें और ये वाले पार्ट को हम वाई मान लें, तो ये एक्स एंड वाई क्या है बच्चों, ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स है, क्या है, स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर्स। अब इनका काम क्या होता है बच्चों, इनका काम ये होता है कि ये करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। जब हम वर्किंग में आएंगे तो इनकी बातों को समझ लेंगे हम। ये लोग क्या करते हैं बच्चों, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, दे रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये याद रखना। कौन, हमारे स्प्लिट रिंग्स। तो ये रिंग का, ये पूरे रिंग का पार्ट है, दो पार्ट है, एक साइड पर एक को वेल्ड कर दिया जाता है और दूसरे साइड पर दूसरे को वेल्ड कर दिया जाता है। अब ये वेल्डिंग हो चुकी है, यानी अब क्या करेगा, जब ये पूरा घूमेगा, कौन, ये ए बी सी डी पूरा घूमेगा, तो उसके साथ ही साथ ये घूमेंगे, यानी कि ये वाला एक्स वाला विल बी ऑलवेज अटैच टू दिस आर्म, कौन सा आर्म, ए बी को, ये एक्स वाला हमेशा इसको अटैच रहेगा और ये वाई वाला हमेशा इसको अटैच रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये अटैचमेंट हमेशा रहेंगे, तो एक्स वाला पार्ट हमेशा ए बी को अटैच रहेगा और वाई वाला रिंग का पार्ट हमेशा सी डी को अटैच रहेगा, तो अटैचमेंट विल ऑलवेज बी देयर। तो इनका काम क्या समझ में आ गया आपको, तो काम भी समझ में आ गया होगा, ओके। द इनर साइड्स ऑफ दीज हाफ्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच टू द एक्सल। ये इनर जो पार्ट है इसके अंदर के, जो अटैच करेंगे ना, वेल्ड करेंगे, वो इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड यानी कि करंट डायरेक्टली पास ना करें, वो चीज़ के लिए वो इंसुलेटेड होता है और वो एक्सल को अटैच हो जाता है। फिर आ गए हमारे ब्रशेस, बराबर। तो ये ब्रशेस क्या होते हैं, तो यहाँ पर दो कार्बन ब्रशेस होते हैं, पी एंड क्यू। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये जो रिंग एक्स को अटैच्ड है एक ब्रश, उसका नाम पी है, और एक ब्रश जो अटैच्ड है क्यू को, बराबर। एक्स स्प्लिट रिंग वाई को अटैच है, उसका नाम क्यू है। अब बच्चों क्या होता है ना, अगर मैंने ये जो ब्लैक पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, ये सब वायर है, अगर मैंने वायर को डायरेक्टली ये एक्सल में अटैच कर दिया, तो जब ये घूमेगा तो वायर क्या हो जाएंगे, ट्विस्ट हो जाएंगे। तो इस करंट को तो पहुँचना है यहाँ पर, वी हैव टू सी दैट कि करंट यहाँ पर पहुँचे, तो उसके लिए कुछ तरीका ढूंढना था।
इसके लिए उन्होंने ब्रशेस का तरीका अपनाया, ठीक है। तो ये कार्बन ब्रशेस होते हैं PNQ, ये लोग एक एंड जो है P वाला, वो जो हमारा स्प्लिट रिंग X है उसको प्रेस करके रखता है, उसको चिपक के रहता है, और ये जो क्यू है वो उसको चिपक के रहता है, बराबर अटैच्ड है। ये लोग साथ में नहीं घूमते, ये पी वाला पार्ट और पी वाला पार्ट ये लोग साथ में घूमेंगे नहीं, ये लोग यहीं पर रहेंगे, इनका पोजीशन कभी चेंज होगा नहीं। एक्स का घूम सकता है, वाई का घूम सकता है, पर पी और क्यू का पार्ट घूमेगा नहीं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये गैप दिख रहा है, गैप अगर ये कहीं पी और क्यू गैप में आ गए, अच्छा जब करंट यहाँ से निकलता है किसके पास जाएगा, पी के पास जाएगा, तो पी किसको देगा ये करंट, पी किसको देगा, स्प्लिट रिंग को देगा, स्प्लिट रिंग कहाँ ले जाएगा, आर्म ए बी में लेके जाएगा। तो इस तरह से ये करंट बहता है, तो करंट यहाँ से निकला ब्रश में गया, ब्रश से स्प्लिट रिंग में गया, स्प्लिट रिंग से हमारे आर्म ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, और फिर डी से करके वाई रिंग, वाई से निकल के ब्रश, क्यू से निकल के बाहर जाके वापस बैटरी में। तो इस तरह से करंट बहता है। तो ये काम किसका है, ब्रशेस का काम है जो। तो इट इज टू कार्बन ब्रशेस पी एंड क्यू आर यूज टू प्रेस द स्प्लिट रिंग्स एक्स एंड वाई। तो पी जो है एक्स को प्रेस करके रखता है और क्यू जो है वो वाई को प्रेस करके रखता है, ठीक है बच्चों। ये बात याद रहे आपको, किसके बारे में, ब्रशेस के बारे में। तो आप क्या कहोगे, जैसे स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या था बच्चों, भाई वो क्या करता था, वो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है। वैसे इनका भी तो कोई ब्रशेस का भी तो कोई फंक्शन होगा, कोई स्पेसिफिक फंक्शन होगा। हाँ भाई, इनका काम ये है कि भाई ये करंट किसको दे दे, ये रिंग्स को, स्प्लिट रिंग को करंट दे दे, ताकि वो करंट वहाँ से कहाँ पहुँचे, हमारे हमारे जो कॉइल है उस कॉइल में करंट पहुँच जाए। तो इनका काम है भाई करंट देना, किसको करंट देना, हमारे रिंग्स को करंट देना, बराबर। और उनके साथ क्या बना कर रखना, उनके साथ हमेशा कॉन्टैक्ट बना कर रखना, वो कॉन्टैक्ट काहे के लिए, ताकि वो करंट उसे दे पाए, ताकि वो करंट उसे दे पाए। फिर उसके पास आपके पास एक चीज़ है जिसका नाम है बैटरी। क्या है बच्चों, ये बैटरी, आपका बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी टू सप्लाई पावर। अरे इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना चलने के लिए, तो उसके लिए क्या लगेगा अपने को, बैटरी लगेगा। तो ये बैटरी का काम क्या है भाई, तो ये गिव्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये आपका की है। जैसे ही की को आप स्विच ऑन करोगे तो लगेगा इसमें क्या बहने, करंट बहने, क्या लगेगा बहने, करंट बहने। तो बच्चों ये हमारा जो है, ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने उसे डिस्क्राइब कर लिया। अब चलते हैं हम लोग इसके वर्किंग के ऊपर। नाउ विल गो एंड अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, कि इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग कैसे होता है, बराबर। तो मैंने ये उम्मीद करता हूँ कि आपने हर एक पार्ट को बराबर समझा होगा और आपको उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, यानी क्लैरिटी आ गई होगी कि भाई कौन सा पार्ट यूज़ हुआ है और काय के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। और तो कुछ है भी नहीं इसके अंदर। ऑलराइट, नाउ विल गो टू द वर्किंग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। तो अब आपको मैं समझाता हूँ इसके वर्किंग पार्ट को बच्चों। तो वर्किंग में क्या होगा, वर्किंग में इनिशियली जैसे हम की को स्विच ऑन करेंगे, ये हमारा बैटरी है दिख रहा है आपको, तो बैटरी में करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से निकलेगा, ऐसे जाएगा और कहाँ पर जाएगा, इट विल एंटर ब्रश पी। ब्रश पी से निकलने के बाद ब्रश पी इज इन कॉन्टैक्ट विथ हमारा स्प्लिट रिंग एक्स के साथ, ये कम्यूटेटर के साथ, कम्यूटेटर एक्स के साथ कॉन्टैक्ट में है। तो यहाँ से पी से करंट इसमें पास होगा, ठीक है। अब जब इसमें पास हो जाएगा करंट, तो वो ये वाले आर्म में फ्लो करेगा ऐसे, ये वाले आर्म से वो ऐसे फ्लो करेगा, और फिर वो जाएगा आर्म ए बी में, थ्रू आर्म ए बी इट विल गो टू आर्म बी सी, थ्रू आर्म बी सी इट विल गो टू आर्म सी डी, थ्रू आर्म सी डी इट विल गो लाइक दिस, देन इट विल एंटर द व्हाट वी कॉल स्प्लिट रिंग वाई, एंड थ्रू वाई इट विल गो टू पी, सॉरी क्यू, ब्रश क्यू, एंड थ्रू क्यू इट विल गो इन द बैटरी। सो दिस विल बी द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एट एवरी पॉइंट। इज दिस क्लियर। जैसे ही स्विच ऑन हुआ, क्या हुआ, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, तो इस तरह से हमारा करंट बहा, इस तरह से हमारे करंट का फ्लो हुआ। तो बच्चों जो करंट का फ्लो हुआ, बराबर, तो यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हमारा ये क्या है, ये हमारा कॉइल है, ये ए बी कॉइल है, ठीक है, ये हमारा सी डी है और ये ए बी है, और ये हमारा मैग्नेट यहाँ पर था जिसका नॉर्थ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है बच्चों, और करंट ऐसे फ्लो रहा है, देखो यहाँ पर ए बी करंट ऐसे फ्लो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे को कैसे हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया और करंट ये हो गया, एक दूसरे को कैसे हैं, लोग एक दूसरे को परपेंडिक्यूलर हैं, ये दोनों क्या है, परपेंडिक्यूलर। और परपेंडिकुलर होता है तो हमने फॉर्मूला दिखा था भाई, बिल
साइन टीटा परपेंडिकुलर साइन 91 होता है, यानी बिल हो जाएगा फोर्स, फोर्स क्या हो जाएगा बिल, फोर्स मैक्सिमम जो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ए बी के ऊपर क्या आएगा बच्चों, ए बी के ऊपर एक फोर्स आएगा, ए बी के ऊपर क्या आएगा एक फोर्स आएगा। सो ए बी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, साइड ए बी ऑफ दिस कॉइल, साइड ए बी बराबर, ये कॉइल जो है हमारा कॉइल आर्मेचर कॉइल, उसका ए बी साइड, मान लो ये ए बी साइड, ये वाला, तो ये वाले साइड पे कोई फोर्स आएगा, फोर्स आएगा कोई, बराबर। अब आई बात बी सी की, कि भाई क्या बी सी पर कोई फोर्स नहीं आएगा, तो बी सी पर बच्चों कोई फोर्स नहीं आएगा, पता है क्यों, क्योंकि देखो फोर्स ऐसा है नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फोर्स कैसा होता है नॉर्थ टू साउथ होता है, पता है ना हमको, तो नॉर्थ टू साउथ है तो फोर्स ऐसा है, और ये बी सी भी कैसा है, करंट भी ऐसे ही है, तो फोर्स भी ऐसे ही, करंट भी ऐसे ही, दोनों क्या है बच्चों एक दूसरे को पैरेलल है, एक दूसरे को क्या है पैरेलल, तो पैरेलल है तो साइन टीटा क्या हो जाएगा, अगर पैरेलल है तो साइन टीटा क्या हो जाएगा जीरो, और साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा जीरो, ये बात समझ में आ रहा है। तो बी सी विल नॉट एक्सपीरियंस फोर्स, सिमिलरली ए डी भी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अच्छा क्या सी डी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, यस सी डी भी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। सी डी क्यों फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड देखो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, करंट ऐसा, फोर्स और डायरेक्शन ऑफ करंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर, सो इवन सी डी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, इवन सी डी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। नाउ वी हैव टू फाइंड कि इनका फोर्स कैसे होगा, अब आगे हमें ये फाइंड करना है कि इनके ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स है तो सही बात है, लेकिन कैसा है फोर्स वो फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो ये मान लिया जाए हमारा आर्मेचर कॉइल है, ये हमारा साइड ए बी और ये हमारा साइड सी डी, ठीक है, इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। फोर्स जानना है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से बच्चों बराबर, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, समझो बात को, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ऐसा करंट जा रहा है, तो थंब किसकी तरफ है, थंब नीचे की तरफ है, समझ में आ रहा है, थंब किसकी तरफ है, थंब नीचे की तरफ है, आई बात समझ में। तो ए बी के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, ए बी के ऊपर जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है, ए बी के ऊपर जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है, ऐसे नीचे की तरफ है इसके ऊपर फोर्स, किसके ऊपर, ए बी की तरफ। अब सी डी पर फाइंड करते हैं बच्चा फोर्स, तो सी डी पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ये नॉर्थ टू साउथ, ये करंट ये साइड है, और थंब कैसा बच्चों ऊपर है, यानी सी डी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है कैसे लग रहा है, अप लग रहा है, तो ए बी के ऊपर फोर्स नीचे की तरफ, सी डी के ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ, बराबर है। तो ये जो फोर्स है भाई ये कपल में एक्ट कर रहा है, ऑन वन साइड इट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ऑन द अदर साइड इट इज एक्टिंग ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, अरे बराबर है। तो देयर इज टू फोर्सेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है और इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो बच्चों क्या होगा, ये रोटेट कर जाएगा, दिख रहा है, ये पूरा घूम गया, ये नीचे की तरफ था तो नीचे आएगा, ये ऊपर है तो ऊपर आएगा, तो ये ऐसा घूम जाएगा, समझ में। अब जैसे ये घूम जाएगा तो ये जो कॉइल है, कॉइल देखो बच्चों क्या होगा, ये रिंग जो है तो ये घूमा, कैसे घूमा, अच्छा डायरेक्शन घूमने क्या है बच्चों, बता सकते हो आप, ए बी नीचे की तरफ है ना, तो इस डायरेक्शन में घुमा है, जिसका नाम हम दे सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये पूरा कॉइल कैसे घुमा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा है, वो समझ में आया। जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो चीज़। तो ये आर्म पर फोर्स डाउनवर्ड, ये आर्म पर फोर्स अपवर्ड, तो ये घूमा। अब ये जैसे ही घूमा बच्चों, तो ये जो हमारे क्या बोलते हैं रिंग्स है, ये रिंग्स तो अटैच्ड है, यानी एक्स और वाई वाला पार्ट अटैच्ड है, तो ये जब घूमेगा ना, तो व्हाट विल हैपन इज, ये जो गैप दिख रहा है यहाँ पर, गैप रिंग का, ये रिंग का गैप एक जाके पी में अटक जाएगा, ये देखो ये वाला जो गैप है ये चला जाएगा किसमें बच्चों, ये वाला गैप जो है पी में चले जाएगा, और ये वाला गैप क्यू में चले जाएगा। जैसे ही घूम के ये वर्टिकल पर, देखो ये हॉरिजॉन्टल है, जैसे ही वो वर्टिकल हुआ, ये जैसे ही वर्टिकल हुआ तो पी वाले में भी एक गैप पड़ जाएगा और क्यू वाले में भी एक गैप पड़ जाएगा। अब जैसे ही गैप पड़ गया तो जो करंट पास हो रहा है बच्चों, जो करंट पास हो रहा है, क्या वो करंट हमारे रिंग्स में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि पी और क्यू अब रिंग्स को टच ही नहीं कर रहे हैं। तो जब करंट नहीं जाएगा तो क्या करंट आगे जाएगा, नहीं जाएगा। तो जब करंट आगे नहीं जाएगा तो क्या कोई फोर्स एक्ट होगा, कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। तो क्या हमारा कॉइल बिल्कुल ऐसे रुक जाएगा, कैसे रुक जाएगा, वो नहीं रुकेगा बच्चों। इस कॉइल ने मोमेंटम गेन कर लिया है, कोई भी घूमने वाली चीज़ को घुमा के देखो, कोई भी घूमने वाली चीज़ को घुमा के देखो, समझ में आया। एक बार जब उसने मोमेंटम ले ली, उसके बाद वो किसी की नहीं सुनेगा, वो पूरे अपने राउंड को कंप्लीट करेगा ही करेगा। इट विल कंप्लीट द राउंड, इट विल कंप्लीट द राउंड, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन।
ये किसकी वजह से होता है बच्चों? इनर्शिया ऑफ मोशन, समझ में? तो भले ही ये गैप में आ गया, ये पी के गैप में ये आ गया, क्यू के गैप में ये वाला पार्ट आ गया, एंड देर इज नो करंट इन द कॉइल, बट दिस डज नॉट स्टॉप, द कॉइल इज नॉट वर्टिकल एनी मोर, इट विल कंप्लीट द रोटेशन. ऐसा था, वर्टिकल हुआ, गैप पड़ा, नो करंट, नो फोर्स, नथिंग इज हैपनिंग, बट दिस विल नॉट स्टॉप. व्हाई इट विल नॉट स्टॉप? बिकॉज इट इज इन मोमेंटम, और इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इट डज नॉट स्टॉप, और ये अपने रोटेशन को कंप्लीट कर देगा. अब ये जैसे ही कंप्लीट कर देगा बच्चों, ये पूरा जैसे कंप्लीट कर देगा, तो अब देखो क्या हुआ, ये वाला रिंग आके पी को अटैच हो जाएगा और ये वाला रिंग आके क्यू को अटैच हो जाएगा. समझो बात को, ये वाला रिंग किस में चले जाएगा? पी में, और ये वाला रिंग किस में चले जाएगा? क्यू में. देखो कैसे, आप ये बात को समझो. ए बी पर फोर्स कैसा था बच्चों? फोर्स कैसा था? डाउनवर्ड. ये डाउनवर्ड मूव हुआ, ये अपवर्ड, ये घुमा 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 और फिर ये ऐसे आ गया. दिख रहा है? यानी कि आर्म्स हो गए एक्सचेंज, आर्म्स हो गए, जो आर्म्स थे ना बच्चों, वो आर्म्स हो चुके हैं, अब क्या एक्सचेंज हो चुके हैं. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब कौन आ चुका है? वाई वाला आ चुका है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं कौन आ चुका है? अब एक्स वाला आ चुका है. यहाँ पर सी है, डी है, देखो यहाँ पर डी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है आपका, और यहाँ पर ए है. बराबर है? और ये सर नो, ये समझ में आया? फोर्स डाउनवर्ड, फोर्स अपवर्ड, रोटेट हुआ, और अब आर्म्स क्या हो गए बच्चों? एक्सचेंज हो गए, द आर्म्स गॉट एक्सचेंज. सो नाउ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन व्हाट वाज हैपनिंग? पहले हाफ में क्या हुआ था बच्चों? तो पहले हाफ में जो रोटेशन हुआ था, बराबर, वो कैसे हुआ था? वो हुआ था कैसे? हुआ था करंट कैसे फ्लो हुआ था, सब कैसे फ्लो हुआ था, वो देख लेते हैं हम लोग. तो पहले हाफ में करंट, फर्स्ट हाफ में करंट ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी टू डी गया, बराबर, ऐसा है ना करंट, बराबर. ये ब्रश पी से अंदर गया और ब्रश क्यू से बाहर आया, करंट ऐसा बात. अब क्या होगा? अब जो ऐसा था पहले, अब ऐसा हो चुका है. तो अब जो करंट बहेगा, बराबर, अब जो करंट बहेगा, और देखो आपका जो ब्रश पी से गया था, ब्रश एक्स को एंटर किया था, पी को जाके एक्स को एंटर किया था, और यहाँ पर वाई से वो क्यू में आ गया था. अब क्या होगा? अब आपका एक्स वाला जो पार्ट है वो जाके पी को अटैच्ड है, बराबर, जो एक्स वाई वाला पार्ट है, अब वाई वाला आ गया पी को, तो पी के साथ आ गया वाई, और वाई, ठीक है, और यहाँ क्यू के साथ आ गया, क्यू के साथ चले गया एक्स, ये एक्सचेंज हो गया. अब आर्म भी एक्सचेंज हुए, तो अब क्या होगा? डी टू सी, फिर सी टू बी, ये ब्लैक वाला देखो, एंड बी टू ए, एंड ए टू एक्स, एंड एक्स टू क्यू. अब ऐसे जाएगा इन द सेकेंड हाफ ऑफ द रोटेशन. कैसे? फिर बता दूं आपको. तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ कि नहीं बच्चों? देखो पी एक्स ए बी सी डी वाई क्यू, बराबर ऐसा था, करेक्ट है कि नहीं? अभी देखो पी है, वो तो फिक्स पोजिशन है, उसके बाद देखो वाई, फिर डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, और फिर एक्स. तो इस तरह से करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है. हर एक रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है बच्चों? रिवर्स हो जाता है. समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा, जब सी डी इधर आ गया और ए बी इधर है, ठीक है, तो करंट सी डी में करंट कैसे बह रहा है? डी टू सी, देखो इट इज गोइंग फ्रॉम डी टू सी. तो करंट का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे. करंट का डायरेक्शन कैसे है बच्चों? करंट का डायरेक्शन ये है, बराबर. अब इसको उल्टा करना पड़ेगा हमें. तो हमारा लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से ये हो गया हमारा करंट का डायरेक्शन, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड. तो थंब डाउनवर्ड है, यानी अब सी डी के ऊपर जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड होगा, और ए बी के ऊपर जो फोर्स होगा बच्चों, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसा हमारा करंट है, और थंब कैसा ऊपर है. तो ए बी के ऊपर जो फोर्स होगा अब वो अपवर्ड होगा. तो ए बी के ऊपर फोर्स कैसा होगा? अपवर्ड होगा. पहले सी डी के ऊपर फोर्स कैसा था? अपवर्ड था. अब ए बी के ऊपर अपवर्ड होगा. तो ये भी ऐसे ही घूमेगा. कैसा घूम रहा है? सेम डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज में. और फिर ऐसा घूमेगा, 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 फिर गोल 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 घूमते ही रह जाएगा. समझ में? सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द वर्किंग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर. यही चीज़ होता है बच्चों. फिर से एक छोटा समरी बता दो बच्चों. करंट निकला यहाँ से, पी में गया, ए बी में गया, ए बी को क्या हुआ? फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, डाउनवर्ड फोर्स लगा. सी डी में गया, फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, अपवर्ड फोर्स लगा. घूम गए ये लोग, घूम गए तो जो हमारे
कौन थे, स्प्लिट रिंग्स थे, वो एक्सचेंज हो गए, वाई वाला इधर आ गया, एक्स वाला उधर चले गया, यानी वाई वाला जाके ब्रश पी को अटैच हो गया, एक्स वाला जाके ब्रश क्यू को अटैच हो गया, बराबर। आर्म भी एक्सचेंज हो गए, जो सी डी था ये साइड आ गया, ए बी ये साइड चले गया, तो अब आर्म एक्सचेंज डी सी बी ए हो गया। अब करंट इसमें डी टू बी था तो डी टू सी था तो फोर्स डाउनवर्ड लगा, करंट इसमें बी टू ए था तो फोर्स अपवर्ड लगा। अब ये भी एंटी क्लॉक वाइज घुमा, ये भी एंटी क्लॉक वाइज घुमा, पहले करंट जो जा रहा था वो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी जा रहा था, अब करंट जो जा रहा है वो डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए आ रहा है। तो आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द करंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। ओके बच्चों, तो अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में समझ गए हो तो आपसे कुछ सवाल, ठीक है, और ये सवाल मैं चाहूँगा और बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आपने इनके आंसर्स को कमेंट करके बताया तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला सवाल ये है कि मान लिया जाए ये है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन बीम इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या आप बता सकते हैं मतलब कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बीम, ये इलेक्ट्रॉन बीम है बराबर, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रॉन बीम। तो जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, क्या वो टू द लेफ्ट होगा या टू द राइट होगा या इनटू द पेज होगा, इनटू द पेज या आउटसाइड, आउट ऑफ द पेज, बराबर। चारों ऑप्शन में कौन से ऑप्शन होंगे आपको कमेंट करके बताने, क्या टू द लेफ्ट या टू द राइट या इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज, बराबर बच्चों, तो इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। दूसरा सवाल आपसे ये है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज डैश, बराबर है भाई, जो फोर्स है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये लार्जेस्ट कब होगा, कौन से एंगल पर लार्जेस्ट होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में कौन सा एंगल होगा तो ये फोर्स लार्जेस्ट होगा, क्या वो एंगल 45 डिग्री है, क्या वो एंगल 60 है, क्या वो एंगल 90 है, क्या वो एंगल 180 है, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा। थर्ड सवाल, द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो when the angle between the wire and the direction of the magnetic field is dash, force zero kab hoga, magnetic field ke beech mein aur current carrying conductor ke beech mein barabar kaun se angle par jo force hoga wo zero hoga, on which angle the force is maximum wo second question hai and on which angle the force is zero ye hamara second iska third question hai, first question to ye wala ho gaya bachcho, theek hai। Okay, a magnetic field exert no force on, मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट नहीं करता, और इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, एक ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर जा रहा है, दूसरा एन अनमैग्नेटाइज्ड आयन बार, तीसरा अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, और चौथा अ मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट नो फोर्स ऑन, किसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट नहीं करता, फिर से एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, दूसरा एन अनमैग्नेटाइज्ड आयन बार, थर्ड अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्थ अ मैग्नेट। तो इसके आंसर्स आपको हमें कमेंट सेक्शन जो है कमेंट सेक्शन में आप दीजिए, ठीक है, तो हमें भी समझ में आएगा आपको कितना ये सारे चीज़ें समझाएं, बराबर, हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम योर।